लाहौर में कोरोना डॉक्टरों को निशाना बनाने लगा। सर्विसेज अस्पताल के 15 डॉक्टर्स बीमार कर नतीना कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलक कल सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाएंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस आयशा मलक से हलफ लेंगे। जस्टिस आयशा मलक की हलफबरदारी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर आवाज़ उठाने वाले वजीर आजम के करीबी साथियों को निशाना पर लेने वाले पीटीआई दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने के ऐलान पर अहमद जवाद के खिलाफ कार्रवाई। पीटीआई के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इतलात का पार्टी रुकनियत खत्म करने को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि उन्हें गैरकानूनी तौर पर निकाला गया। पीटीआई का कारकुन और वोटर इमरान खान का असल चेहरा पहचान चुका है। इस कौम के साथ 74 सालों में इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया गया। काउंसलर नहीं बना तो किसी को वजीर आजम कैसे बनाऊंगा। अगर मैं किसी को वजीर आजम बनवा सकता तो खुद ना बन जाता। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुज़श्ता रोज के बयान से मतलब वजाहत पेश कर दी। कहा उन्होंने सिर्फ पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम और शहबाज शरीफ वजीर आला बनेंगे, जिसको गलत अंदाज में पेश किया गया। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 13% से ऊपर चली गई। मजीद 20 मरीजों का इंतकाल। गुज़श्ता रोज मजीद 7,500 से ज्यादा केसेस सामने आए। कराची की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। शरह 42% से ज्यादा रही। मुजफ्फराबाद की 23%, रावलपिंडी में 20%, पेशावर में 19% से ज्यादा, हैदराबाद में 18.5% से ज्यादा, इस्लामाबाद की शराह 17.5% से ज्यादा, लाहौर की 14% से ज्यादा रही। कराची के जिला वस्ती में ओमिक्रॉन वायरस के 110 केसेज रिपोर्ट। गुलबर्ग के लियाकत आबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजम आबाद में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। इजमात और तकरीबात पर पाबंदी। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। नफाज 5 फरवरी तक किया जाएगा। इस्लामाबाद में कोरोना के सबसे ज्यादा योमिया केसेज रिपोर्ट। सेक्टर्स की गलियाँ लॉकडाउन के बायस बंद कर दी गई। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान आईसीसी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाए हैं। आईसीसी ने मोहम्मद रिजवान को गुज़श्ता साल 1326 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने पर साल का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि डबल खुशी इस बात की है कि इस बार ये अवार्ड पाकिस्तान को मिला है। दुनिया की टॉप टीम्स में पाकिस्तान का नाम आना खुशी की बात है। कौमी विकेट कीपर बैटर का कहना था कि अवार्ड का क्रेडिट टीम मैनेजमेंट साथी क्रिकेटर्स और मेरे खेल का जायजा लेने वालों को भी जाता है। सबकी मेहनत की वजह से आज दुनिया भर में पाकिस्तान टीम का नाम है। आईसीसी वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया की आंद्रिया माई जुबैदा करार पाई, जबकि आईसीसी एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अमान के जिशान मकसूद के नाम रहा।